गाइस वेलकम बैक टू प्रेम कार व्लॉग्स। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो फाइनली जो हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 आई है ना, वो वर्सेस ओल्ड वाली जो थी हमारी स्प्लेंडर। तो इसमें आप कंपैरिजन हम बता देते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं और क्या क्या नई हैं, तो वो चीज़ हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें क्या क्या है और इसमें क्या नहीं है, उसमें सब कुछ कंपेयर करने वाले हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रंट में ही सही बात कर लेते हैं। इसमें हमें इस टाइप की ग्राफिक्स मिल रही है, दो तीन कॉम्बिनेशन कलर्स के साथ ग्राफिक्स है इसकी। हीरो स्प्लेंडर मिला हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, बस खाली हीरो स्प्लेंडर का ही एक स्टिकर सा लगा दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग दे रखी है। और यहाँ पे मेन चीज़ जो अपडेट हुआ है वो है हमारा DRLs। भाई ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है, सबसे ज़्यादा बिक रही है, बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग है और बाइक उठा रहे हैं लोग शोरूमों से। ये देखिए भाई DRL में चेंज है, इसमें नॉर्मल सा कुछ नहीं रहा, बस खाली हैलोजन आ रही थी, अब इसमें भाई LED भी दे दी है। ये देखिए है कि नहीं ज़बरदस्त मेन चीज़। और बाकी सब इंडिकेटर्स में ये थोड़ा चेंज है हल्का सा, उन्हें तो पहले इसमें ऐसे आते थे, अब इसमें ऐसे कर दिए गए हैं, पर इसमें हैलोजन ही है, ये चीज़ गलत है, इन्हें LED भी डालनी चाहिए थी इसमें, पर कोई नहीं ऐड कर लेंगे एडजस्ट। और सामने से नीचे कोई चेंजेस नहीं है, मडगाटर वगैरह सब कुछ सेम है, लगभग अलॉय भी सेम ही है, थोड़ा बहुत भी अंतर होगा तो होगा, नहीं तो लगभग सेम है। टायर भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज कर दिए गए, वही MRF की टायर्स मिलते हैं, 80x100 मतलब 18 इंचेस के अलॉय हैं, इसमें भी 18 इंचेस के अलॉय हैं, दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स, वही CBS ब्रेकिंग सिस्टम है। और साइड से बात करें तो साइड में ये चेंज है, ये देखिए हीरो का यहाँ पर क्रोम के साथ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है, यहाँ पर एक डॉट सा दे रखा है जो कि स्पोर्टी लुक दे रहा है, तगड़ा ही कॉम्बिनेशन दे रखा है। यहाँ पे हमें बस खाली स्टिकर दे रखे थे, देख सकते हैं हीरो का स्टिकर है, यहाँ पे भी स्टिकर है, स्प्लेंडर प्लस थी ये हमारी, और इसमें यहाँ से साइड से ये लुक मिलता है और इसमें ये लुक है। ये देखिए भाई स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के साथ है, तीन कॉम्बिनेशन कलर के साथ कर दिया गया है मैच, और साइलेंसर भी हमें डिज़ाइन चेंज है, इंजन चेंज, इसका ये भी चेंज, कॉम्बिनेशन कलर्स के साथ सस्पेंशन, हाइड्रोलिक, टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलते हैं, और यहाँ पर भी 18 इंचेस के अलॉय हैं। तो ये इसकी सीट थोड़ी सी हमें छोटी कर दी गई है, इसकी थोड़ी बड़ी थी, फ्यूल टैंक भी छोटा कर दिया गया है, इसका थोड़ा छोटा है, इसका बड़ा है। इसमें 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलता है, 12 तक 10 तक मिलता है, और इसमें पर एक चीज़ ये है इतनी सारी छोटी कट दी गई पर एवरेज इसका बहुत ज़्यादा है, 95 किलोमीटर का एवरेज है इसका, उससे ज़्यादा मिलता है इसमें नई वाली में, है कि नहीं ज़बरदस्त। और यहाँ पे i3s भी मिलता है, उसमें तो मिलता ही है i3s, पहले ऐसे ही आ रहा है। बैक साइड से जो चेंजेस है भाई आपको दिखाएं, बैक लाइट में चेंज है, यहाँ पर एच की तरह हीरो ने अपना बरकरार रख रखा है, हीरो का यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांडिंग, दोनों इंडिकेटर्स है, मडगटर चेंज है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, इसमें कुछ नहीं, वही नॉर्मल जो पहले आ रही थी वही सेम थी और इसमें थी, बस ये चेंज है हमारी बैक लाइट का और इंडिकेटर्स का। तो ये मडगटर इस टाइप का था, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया आपके, साइड से भी ऐसी है, वही हमारा दोनों लुक में इसमें आ रहा है, गेयर्स वही हमारे 4 डलते हैं, इसमें भी 4 डलते हैं, तो ये है इसका लुक। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन चीज़ का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, तो आप देखिए डिजिटल के साथ मिलता है इसमें, पहले हमारे साथ कुछ नहीं मिलता था, और अब देखिए भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मिल गया है नए ज़माने के साथ। ये देखिए इलेक्ट्रिकल स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ ही आती है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक स्टार्ट पहले से आ रही थी, पर इसमें बटन देखिए चेंजेस कर दी गई है, और यहाँ पर USB है, उसमें भी USB है, और यहाँ पर जो मेन चीज़ है पार्किंग इंडिकेटर, जो हज़ार्ड लाइट बोलते हैं ना वो चीज़ है, इसको बटन दबाएंगे तो 4 वो इंडिकेटर इसमें जलते हैं, इसमें नहीं जलते, इसमें जलते हैं नई वाली में, तो ये है नहीं ज़बरदस्त, ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ के साथ मिलता है ये। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली लेनी चाहिए नई वाली या पुरानी वाली, मुझे तो भाई नई वाली का भाई बेस्ट लग रही है, क्या लुक ही बनाया है DRL के साथ, क्या क्लासी लुक दे रखा है DRL के साथ, पुरानी तो भाई थोड़ा सा ओल्ड हो गया ज़्यादा, और नई वाली का देखकर लुक ही ज़बरदस्त है। तो कमेंट करके बताओ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।